हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 19 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। कल एक प्रश्न पूछा था कि किस भारतीय वैज्ञानिक मर्क यंग साइंसिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो ये है शाक्य सिन्हा। इसका सही आंसर है शाक्य सिन्हा को मर्क यंग साइंसिस्ट अवार्ड 2019 का दिया गया है। आज का हमारा प्रश्न है, किसे अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये तीन ऑप्शन आपको कमेंट करके सही जवाब देना है। आज का हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कमलनाथ किस देश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे। तो गाइज, आज के वीडियो पे 1500 लाइक्स का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 150 शेयर्स एंड 150 कमेंट्स का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है, ये हर साल ये बैठक होती है। लास्ट ईयर भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ही यहाँ से गए थे, और ये होती है स्विट्जरलैंड के दाबोस शहर में, ठीक है। और देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मध्य प्रदेश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका विस्तार करने के लिए, ये आर्थिक गतिविधियां विस्तार होंगी तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और नया निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से ये दाबोस में गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में। और ये बैठक है 21 से 24 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। तो ये कल गए हैं 18 तारीख को, और इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी इसमें भाग ले रहा है, जिसमें से मुख्य सचिव हैं सुधीर रंजन मोहंती, ये भी साथ में जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के हैं मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन है डॉक्टर राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं अशोक वर्णवाल, सचिव पर्यटन हैं श्री फैज अहमद किदबई, और प्रबंध संचालक राज्य उद्योग विकास निगम श्री विवेक पोरवाल, ये लोग भी इनके साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में इस बैठक में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइज, ये टेस्ट सीरीज है जो आपकी 2020 को टारगेट करते हुए अकॉर्डिंग टू नई सिलेबस, ठीक है, हमने लॉन्च कर दिया है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो विद एक्सप्लेनेशन के साथ में रहेंगे। इसमें बस 30 आपको अभी फिलहाल टेस्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ने MPPSC 2019 की टेस्ट सीरीज भी परचेज करी हुई है तो आपको इसमें 40% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको मुझे WhatsApp पे कांटेक्ट करना होगा, तो 40% डिस्काउंट के साथ आप MPPSC 2020 परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। तो देखिए, स्विट्जरलैंड जो है ये देश आपका, यहाँ की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रांक, ठीक है, ये ध्यान रखें, स्विस फ्रांक यहाँ की करेंसी है। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्न यहाँ की राजधानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल कोई भी कैपिटल नहीं है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो है वो वर्न को माना जाता है। हालांकि कहीं कहीं आपको ज्यूरिक जो है वो भी कहीं कहीं बताते हैं कि ये सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है वर्न, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देश में बात करें तो देखिए, आल्प्स पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो आपकी इसी में है, स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ साथ आल्प्स पर्वत श्रेणी आपकी इटली फ्रांस हो गया यहाँ पर भी आपकी है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया जो है यहां पर भी आल्प्स पर्वत श्रेणियां हैं। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें तो चारों तरफ से ये जो है आपका स्विट्जरलैंड, यहां पे नॉर्थ में जर्मनी से घिरा हुआ है, यहां पर आपका पूरा ये फ्रांस है, पूरा जो हिस्सा है ये फ्रांस ने कवर किया हुआ है, यहां से फिर आपका इटली है और यहां पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये चार प्रमुख कंट्री हैं जिनसे आपका स्विट्जरलैंड घिरा हुआ है। राइन रिवर जो है वो यहां पर फ्लो होती है, ठीक है। एक यहां पर लेक है कॉन्स्टेंस, ठीक है, कॉन्स्टेंस लेक है एक। इसके साथ साथ यहाँ पे जिनेवा लेक भी है। जिनेवा से अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दाबोस जो शहर है वो कहाँ पर है। तो दाबोस शहर की जो लोकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे लास्ट में यहाँ पर है, ऑस्ट्रिया से लगा हुआ आपका ये शहर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिनेवा की, तो जिनेवा में बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। 10 प्रमुख हैं, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं पर 10 प्रमुख हैं, ये ध्यान रख लें। एक तो यहाँ पे है CERN, ठीक है, CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी यहीं पर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये ISO का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, ISO सर्टिफाइड किया जाता है, उसका हेडक्वार्टर भी आपका यहीं पर है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN,
UNFCCN, ये भी आपका हेडक्वार्टर यहीं पर है। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस भी आपका जिनेवा में भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस भी यहीं है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इसका हेड ऑफिस भी आपका स्विट्जरलैंड में भी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी मौसम विभाग से संबंधित है ये आपका WMO यहीं पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपका यहीं है। तो 10 प्रमुख जो हेड ऑफिस हैं वो आपके कहाँ पर हैं, जिनेवा में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कहां स्वर्गीय अमर सिंह राठौर की स्मृति में 39वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। तो देखिए ये जो शुभारंभ है ये हुआ है निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील में, जहां से मुख्यमंत्री सॉरी जो वाणिज्य कर मंत्री हैं ब्रजेंद्र सिंह राठौर, वो इनकी विधानसभा सीट है। और यहां पर स्वर्गीय अमर सिंह राठौर इनके ही फैमिली मेंबर ये थे, आई थिंक इनके दादा या कोई रहे होंगे परदादा, उनकी स्मृति में ये कराया जाता है। तो ये इस बार 39वां संस्करण इसका था भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का, ठीक है। और इसमें इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो थे पशुपालन मंत्री या मछुआ कल्याण मंत्री या मत्स्य विकास मंत्री लाखन सिंह यादव, इसके अलावा किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री सचिन यादव भी यहाँ पर आए हुए थे, और ये तो यहाँ पर थे ही ब्रजेंद्र सिंह राठौर। 3 दिवसीय ये प्रतियोगिता होती है, अखिल भारतीय प्रतियोगिता होती है, देश में 11 टोटल देश की 11 टीमें जो हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। एक और खास बात, जो पर्वतारोही भावना डेहरिया है छिंदवाड़ा जिले की तामिया की, ठीक है, तो वो उनको भी इसमें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का शहरी विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ बनाया जाएगा। तो देखिए ये जो आपका संस्थान है, जो राष्ट्रीय स्तर का शहरी विकास और प्रशिक्षण संस्थान रहेगा, ये बनाया जाना है आपका राजधानी भोपाल में, और इसमें मध्य प्रदेश के समुचित एवं व्यवस्थित विकास के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर का शहरी विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। इस संस्थान में नगर निगम से लेकर नगरीय और पंचायत तक के जो अधिकारी हैं और इंजीनियर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग उनको यहां पर दी जाएगी, ताकि भविष्य में योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश का विकास हो सके। और ये निर्णय 16 जनवरी को विधानसभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। 16वीं नेशनल कैडेट फेंसिंग में किस प्रदेश की फेंसिंग टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। तो देखिए 16वीं नेशनल कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप है, ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है, हैदराबाद में आयोजित हुई है, और मध्य प्रदेश जो है इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा है, ठीक है। और इसमें जो फोइल व्यक्तिगत स्पर्धा होती है उसके फाइनल में मध्य प्रदेश की टी साई संकेत शर्मा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने मयंक को 15-13 सारा है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये ध्यान रखना है इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ईपी टीम स्पर्धा जो है उसके फाइनल में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये दूसरा गोल्ड यहाँ पर आपका हो जाता है। इस टीम में हर्ष दिवेकर, भव्य सिंह और आर्यन की तिकड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो बालक टीम है उसने फुल टीम स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीता है, तो एक यहाँ पे सिल्वर पदक आपका हो जाएगा, तो 2 गोल्ड 1 सिल्वर हो गया। इस टीम में टी साई संकेत शर्मा, हर्षल भक्ते और प्रणय शर्मा शामिल थे। ईपी बालिका टीम स्पर्धा के फाइनल में मध्य प्रदेश टीम जो है वो तीसरे स्थान पर है, यानी कि कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने इसमें जीता है, ठीक है। इस टीम में प्रज्ञा सिंह, पूजा दांगी, अंजलि बथरे और अंजू राजा शामिल थी। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, किस जिले के आर्यन सेन ने अंडर-17 कैटेगरी में नेशनल लेवल फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो एक गोल्ड मेडल जो है इन्होंने इसमें जीता है, तो टोटल इस पूरे ओवरऑल प्रतियोगिता में टोटल कितने गोल्ड हो गए हैं, 3 गोल्ड हो गए हैं, ठीक है। तो ये भोपाल के हैं आर्यन सेन, ठीक है, इन्होंने जो अंडर-17 कैटेगरी है उसमें एक गोल्ड मेडल जीता हुआ है, हैदराबाद में आयोजित हुई थी नेशनल फेंसिंग अंडर-17 कैटेगरी में, ठीक है। और ये आर्यन सेन जो है ये जूनियर राज्य फेंसिंग और एमपी स्टेट ओपन फेंसिंग प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। तो आर्यन सेन ध्यान रखना है, वैसे तो ये खिलाड़ियों के नाम याद रखना बहुत जरूरी होते हैं, और खासतौर पर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, रायपुर में खेली जा रही सेंट्रल जोन अंडर-16 गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मध्य प्रदेश टीम की कप्तान कौन बनी है। तो अंडर-16 गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट ये कहाँ पर होगा आपका, रायपुर में आयोजित किया जाएगा, और मध्य प्रदेश टीम की जो कप्तान है वो बनाई गई है इसमें सौम्या तिवारी को, ठीक है। और ये जनवरी में ही आयोजित की जाएगी सेंट्रल जोन अंडर-16 गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है। सौम्या तिवारी कप्तान बनी है, ये ऑलराउंडर हैं और भोपाल की जो अरेरा अकादमी है वहाँ की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखें कहाँ की हैं, ये भोपाल की अरेरा अकादमी की खिलाड़ी यानी कि भोपाल की रहने वाली हैं। सौम्या के अलावा इस टीम में 5 खिलाड़ी और भोपाल से ही चुनी गई हैं, जिनमें से अंशुलिका
सिंह, खुशी यादव, वैष्णवी शर्मा, समृद्धि सक्सेना और नैनी राजपूत इसमें शामिल हैं। टीम की बात करें तो सौम्या तिवारी कप्तान है, अनन्या दुबे यहाँ पे उप कप्तान है, अंशुलिका सिंह, कनिष्का ठाकुर, लक्षिता माहेश्वरी, खुशी यादव, वैष्णवी शर्मा, समृद्धि सक्सेना, सलोनी दबोलिया, यामिनी बिल्लोरे, नैनी राजपूत, संस्कृति गुप्ता, मुस्कान विश्वास, अनामिका रघुवंशी और महक शर्मा। और इसमें स्टैंड बाय में जसनीत कौर, जिया जेठवा, साची जैन और सुहानी शर्मा को रखा गया। तो पूरी कंप्लीट जो टीम है, हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस नाम याद रख लें, थोड़ा सा पढ़ लें। देखिए, कानों में सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं माइंड में स्टोर होती है। जब आप ऑप्शन देखोगे आपको डेफिनेटली चीजें याद आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए भारत सरकार ने किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, ये जो बैंक है, ये है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में सड़कों के सुधार के लिए, मध्य प्रदेश में सड़कों के राज्य मार्गों के लिए और जिलों की प्रमुख सड़कों का निर्माण करने के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल जो होता है HAM, हम पहले भी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इनके माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP परियोजना के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर इसमें किए गए हैं। और इसमें मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर के टोटल सड़कें होंगी, जिनमें राज्य मार्ग भी रहेंगे, राज्य मार्ग यानी कि स्टेट हाईवे रहेंगे, और जो जिले की प्रमुख सड़कें हैं वो भी इसमें रहेंगी। कितने मिलियन डॉलर का? 490 मिलियन डॉलर का ये ऋण समझौता किया गया है। ध्यान रखें, 490 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता, ध्यान रखें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होगा, ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे पीपी मोड के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी से अतिरिक्त 286 मिलियन डॉलर का निवेश जुटाया जाएगा। तो 286 डॉलर ही हो जाएगा, तो टोटल जो बजट है वो कितना हो जाएगा, 286 प्लस 490 मिलियन डॉलर। और जो एडीबी है, इसके बारे में बात करें, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान रखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फिलीपींस मनीला में। ठीक है, ध्यान रखिए, इसके कुल जो सदस्य हैं वो हैं 68, इनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र, जबकि बाकी जो हैं वो 19 अन्य क्षेत्र के हैं। तो इतना पूरा आपका हो जाएगा। तो गाइज, ये पूरा था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।